मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 12 अप्रैल 2024 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि चैत्र माह की चतुर्थी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के अनूपगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक और सीनियर मैनेजमेंट में पिछड़े वर्ग के लोग नहीं है। राहुल ने कहा, मोदी ने इन कंपनियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं। हिंदुस्तान के 25 से 30 अमीर लोगों का इतना पैसा माफ कर दिया है जितना 24 साल तक मनरेगा के जरिए मजदूरों को मिलता है। राहुल गांधी ने कहा, 30 लाख सरकारी पोस्ट को नरेंद्र मोदी खाली रखते हैं। अपने 20 से 25 लोगों की मदद करने के लिए हम 30 लाख सरकारी रोजगार लोगों को देंगे। सरकार और पीएसयू में ठेकेदारी प्रथा बंद होगी। राहुल गांधी की अनूपगढ़ और फलोदी में हुई सभा में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% रिजर्वेशन देने का भी वादा किया है। वहीं राहुल ने कहा कि हमारी सरकार आती है तो आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाओं की आमदनी दोगुनी होगी। वहीं राहुल गांधी ने कहा, सरकार की संस्थाओं में काम करने वालों को परमानेंट नौकरी दी जाएगी। राहुल बोले, हमारी सरकार आएगी तो किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून लागू करेंगे। अगर मोदी कर्जा माफ कर सकते हैं तो कांग्रेस फिर से किसानों का कर्जा माफ करके दिखाएगी। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। कल पीएम मोदी भी राजस्थान के दौरे पर थे। पीएम ने गुरुवार को यहां करौली केला देवी मार्ग स्थित सिद्धार्थ सिटी में विजय संकनाद रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस का इतिहास ही नहीं बल्कि इरादे भी खतरनाक है। कांग्रेसी नेताओं ने तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार के लिए मंदिरों को गिराकर उनकी जमीनों पर कब्जे किए हैं। पीएम मोदी बोले, यहां राम नवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए जाते थे। पीएम बोले, जिस राजस्थान के धौलपुर ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद बने भव्य राम मंदिर के लिए पत्थर भेजे, उसी राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी के नेता कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। उन लोगों ने राम मंदिर की प्रतिष्ठा का बहिष्कार तक कर दिया। पीएम मोदी बोले, आप कांग्रेस नेताओं के बयानों से उनके मंसूबों का अंदाजा लगा सकते हैं। कांग्रेस के शहजादे विदेशों में कहते हैं, भारत कोई राष्ट्र नहीं है। सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो सबूत मांगते हैं। कांग्रेस के शहजादे सेना के शौर्य को खून की दलाली बोलते हैं। वहीं पीएम मोदी बोले, टुकड़े टुकड़े गैंग के पीछे सबसे पहले कांग्रेस ही खड़ी नजर आती है। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। 2018 में कांग्रेस का दामन थामने वाले मानवेंद्र सिंह जसोल आज बाड़मेर में होने वाली पीएम मोदी की जनसभा में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह विधानसभा चुनाव में मनचाही जगह से टिकट नहीं मिलने से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे, जिसके बाद उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया। और अब सूत्रों की माने तो बाड़मेर में मानवेंद्र सिंह के साथ बड़ी संख्या में लोग बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद बाड़मेर लोकसभा सीट और भी ज्यादा हॉट होगी। आपको बताते चले, पीएम मोदी आज शुक्रवार को आदर्श स्टेडियम एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। आगे बढ़ेंगे राजस्थान से एक और बड़ी खबर। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब राज्य सरकार भी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाने जा रही है। सरकार ने इसके लिए एक कॉमन एसओपी जारी की है, जिसे सभी विभागों को भिजवाया है। सरकार ने जो कॉमन एसओपी जारी की है, इसके तहत किसी भी कर्मचारी का 3 साल से पहले तबादला नहीं किया जाएगा। हर कर्मचारी को अपनी सर्विस में कम से कम 2 साल ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी करनी होगी। दरअसल राज्य में तबादलों को लेकर हर बार विवाद होता है। भाजपा की वसुंधरा सरकार में तत्कालीन मंत्री गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने भी तबादला नीति का ड्राफ्ट बनाया था, लेकिन विधायकों की डिजायर के बोझ तले तबादला नीति लागू नहीं हो पाई। लेकिन अब सरकार नई नीति बनाने जा रही है, उसके तहत किसी भी कर्मचारी का 3 साल पहले तबादला नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर। रविंदर सिंह भाटी के प्रति युवाओं की बढ़ती दीवानगी से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब रविंदर सिंह भाटी का तोड़ निकालने में जुटे हैं। भाजपा युवा नेता कुणाल सिंह को साधने की कोशिश की जा रही है, जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं। कुणाल सिंह के साथ सीएम की मीटिंग के मायने इसलिए भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि कुणाल रविंदर सिंह भाटी का करीबी माना जाता है। बताया जा रहा है सीएम ने मैसेज कर कुणाल को मीटिंग में बुलाया था। इसी के तहत मुख्यमंत्री युवा वोटरों को साधने की कोशिश कर
रहे हैं। कुणाल सिंह भी युवा में काफी फेमस है। उन्होंने मुख्यमंत्री ने होटल मेरियट में बुलाया, जहां मुख्यमंत्री और कुणाल सिंह के बीच गोपनीय वार्ता हुई। आगे बढ़ते हैं, किसानों के लिए बड़ी खबर है। गिरावट के बाद जीरा फिर संभलने की कोशिश कर रहा है। प्रदेश की विशिष्ट श्रेणी की मेड़ता कृषि उपज मंडी में जीरे के भाव में 1500 रुपए प्रति क्विंटल का उछाल आया है, जिसकी वजह से मंडी में सुपर ए क्वालिटी का जीरा 27,500 रुपए प्रति क्विंटल में बिका है। और बताया तो ये भी जा रहा है कि बीते दिनों में जीरे की एक ढेरी की बोली 29,000 रुपए भी लगी थी। बाकी अच्छी क्वालिटी की सब घोल अभी भी 14,000 रुपए के आसपास ही बिक रही है। माना जा रहा है आने वाले कुछ दिनों के बाद जीरा और इस सब घोल के भाव में उछाल आने की संभावना है। आगे बढ़ेंगे, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान पर बने एक परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से बीते दो दिनों से मौसम में बड़ा बदलाव आया है। इसके प्रभाव से कई जिलों में बादल छाए हुए हैं तो कहीं कहीं पर बारिश भी हुई। गुरुवार को भी दोपहर के बाद अचानक प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई। वहीं करीब 4-5 बजे के आसपास राजस्थान के कई जिलों में हल्की बारिश भी हुई और प्रदेश के कुछ भागों में तो ओले भी गिरे हैं। अब मौसम को लेकर बड़ी अपडेट ये है, जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार 13 अप्रैल से राज्य में एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 15 अप्रैल तक आंधी बारिश की गतिविधियों में और अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना है। आज की बात करूं तो आज 12 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ व गंगानगर में मेघ गर्जन, वज्रपात व झोंकेदार तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट है। वहीं पाली व सिरोही में भी कई स्थानों पर आज मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 14 अप्रैल को भी येलो व ऑरेंज अलर्ट है। 13-14 अप्रैल को विक्षोभ का सबसे अधिक असर जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग में देखने को मिलेगा। इस दौरान हो सकता है तेज अंधड़ के साथ कहीं कहीं पर बारिश भी हो जाए और हो सकता है कुछ स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। 13, 14 और 15 अप्रैल यानी कि 3 दिन इस सिस्टम का असर रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, श्री गंगानगर जिले से बड़ी खबर। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में आग का तांडव देखने को मिला, जहां रावला गढ़साना मार्ग पर एक खेत में आग लग गई। गेहूं की फसल जलने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। वहीं श्री करणपुर में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला। वहां पर भी खेत में गेहूं की फसल को आग लग गई। तेज हवा चलने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। 3 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों की भारी भीड़ लग गई। दर्जनों पानी के टैंकरों द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया। खेत के ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज लाइन में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए एक और बड़ी और बेहद काम की खबर। अगर आप रिटायरमेंट के बाद अपने लिए पेंशन का इंतजाम करना चाहते हैं तो अटल पेंशन योजना आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1,000 से लेकर 5,000 रुपए की पेंशन मिलती है। इस स्कीम में हर महीने 210 रुपए जमा करके 5,000 रुपए महीना पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। यानी कि यह योजना बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा दे सकती है। 18 से लेकर 40 साल तक का व्यक्ति इस योजना में निवेश कर सकता है। इस योजना में निवेश के लिए आपके अमाउंट से कितना कटेगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन चाहते हैं। जैसे 1 से लेकर 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन के लिए सब्सक्राइबर को 42 से लेकर 210 रुपए प्रति माह तक भुगतान करना होगा। यह 18 साल की उम्र में स्कीम लेने पर होगा। यदि कोई सब्सक्राइबर 40 साल की उम्र में स्कीम लेता है तो उसे 291 से लेकर 1454 रुपए प्रति माह तक निवेश करना होगा। योजना के तहत 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए की पेंशन मिलती है। निवेश पेंशन की रकम पर ही निर्भर करता है। कम उम्र में जुड़ने से आपको इस योजना का सबसे अधिक फायदा मिलेगा और कम उम्र में आप इस योजना में निवेश करते हैं तो मंथली निवेश करने की किस्त भी काफी हल्की रहेगी। आप इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको बैंक में जाकर अटल पेंशन योजना चालू करवानी होगी या फिर ई मित्र वगैरह पर भी अटल पेंशन योजना में निवेश किया जा सकता है। यह योजना बुढ़ापे में बड़ा सहारा बन जाती है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।